जय हिंद बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है, जहां हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर। तो ये इनके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं क्या ही इनकी और तारीफ कैसे कर सकता हूं। तो आज मिलते हैं सीधा हम लोग विजय नायर सर से, जहां हम लोग जानेंगे कि कैसे एनडीए को टारगेट किया जाता है। तो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म विजय नायर सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद अखिल, जय हिंद टू एवरीवन जो हम मुझे और अखिल को सुन रहे हैं। और यू नो वेरी हैप्पी कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना अखिल, एज अ ट्यूटर, एज अ एजुकेटर। सो यू नो मुझे पूरा यकीन है मेरा भी बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब एनडीए दी थी बहुत करीब 29 इयर्स बैक, शायद हाँ 30 इयर्स बैक मैंने भी एनडीए का एग्जाम क्लियर किया था, मेडिकल एंड व्हाटएवर। बट यस, डाउट्स रह जाते हैं ओवर द टाइम, काफी कुछ चेंज हो गया। एंड थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड यू नो यू एज अ one of the top educators. So thank you so much invite करने के लिए, and I'm sure अगला जो 45 मिनट या एक घंटा होगा काफी productive होगा। Both of us will try to you know clear so many things. बिल्कुल सर। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि NDA के अंदर बच्चों को बहुत अलग अलग तरह के doubt रहते हैं, क्योंकि मैं written की preparation करवाता हूँ, तो सर मेरे लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो आप ही के सवाल हैं। जैसे सर अभी मेरे से कुछ सवाल पूछेंगे, आप अपना सवाल उसमें ढूंढकर बताइएगा कि आपका कौन सा डाउट क्लियर हुआ है। तो ऐसे रिटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर रिटर्न के साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ रिटर्न ही हमारा गोल नहीं है, रिटर्न के साथ साथ हमें SSB भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वो SSB के लिए जो गाइडेंस है, जो मेरे मन में सवाल है, आप लोगों के सवाल है, वो मैं यहाँ सर से पूछूंगा, और सर उन चीजों का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर कैसे कैसे सवाल, मेरे पास तो सवाल आते हैं, मैं जवाब देता रहता हूँ, शायद कुछ सवाल मेरे को पढ़ाते हुए मिस हो जाते हैं। तो आपने कुछ ऐसे सवाल अगर रखे हैं बच्चों की तरफ से तो आप पूछ सकते हैं सर। तो अखिल फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो काफी मैं ऐसे फौज के बाद जो भी नंबर ऑफ इयर्स में कॉर्पोरेट में हूँ, अभी भी कॉर्पोरेट में हूँ, और कुछ 2-2.5 साल पहले जब कोरोना हुआ था, कोरोना जब हुआ था तब मैंने ये रियलाइज किया कि अब इतना फ्री टाइम है हाथ में, यू नो लाइक। और तब ये मीडियम था इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे काफी बच्चे कनेक्ट करने लगे कि अरे सर आप तो फौजी हो, आपको बताना चाहिए लोगों को कि कैसे जाए। That was the first time मैं ये community से जुड़ा, और काफी अच्छा महसूस करता हूँ कि part of this community. So मेरे जहन में जो पहला question आता है NDA को लेके, so अखिल काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि NDA की पढ़ाई कब से करनी चाहिए, what is the right time to start preparation for NDA? कुछ बच्चे हैं 7वीं 8वीं से ही चालू हो जाते हैं, but I think there is a time for preparation. कि आपको प्रिपेयर कब से चालू करना चाहिए। सो ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा बच्चों के तरफ से, काफी यंगस्टर्स के तरफ से, तो कब प्रिपेयर करना चाहिए? सर सवाल बहुत ही गहरा है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा होना चाहिए। देखिए, इन तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने की सीढ़ी यकीनन बचपन से ही ढाली जाती है। अगर मैं एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए मैथमेटिक्स की बात करूं, तो वो मैथमेटिक्स तभी सॉल्व हो सकती है जब बच्चा 10th तक अपनी मैथमेटिक्स पर ध्यान दे। चाहे वो 11th 12th की मैथमेटिक्स पढ़े या ना पढ़े, अगर वो 10th तक की मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, उसने अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो उसको 11th और 12th की मैथमेटिक्स समझने में भी कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती है, राइट? फिर बाकी जब बात आती है GS की, तो ये आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो भी GS आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स से हैं तो भी आपको ये पढ़ना तो है ही,
मतलब ये आपको जानकारी रखने की जरूरत होती है। तो सही जो स्टेज है वो है कि अगर आप 11th क्लास पढ़ रहे हो, आप पास कर चुके हो या फिर आप जस्ट पास करने वाले हो, आपको पता है कि 11th का क्या स्टेटस है। और जब आप 12th में आते हो तो आपको सिर्फ क्लास 11th और 12th को रिवाइज करते हुए चलना है और आप एनडीए का एग्जामिनेशन अपने साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। सर अब वैरायटी आती है कि बच्चे किस लेवल तक मेहनत करना चाहते हैं। एक स्कूल के साथ पेपर देना, एक स्कूल के बिना पेपर देना, सर दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। एक फोकस स्टडी होना, एक सीबीएसई को ज्यादा महत्व देना। तो यहां बात उठती है कि एनडीए करना है तो कैसे करना है। मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। तो सही जो जवाब है वो ये है कि आपको 12th में अपीयर रहते हुए इसको शुरू करना चाहिए। आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, 12th में रहते हुए आप इसे समझें, पेपर के लेवल को जानें, उसके स्ट्रेटेजी को पहचानें और जैसे ही 12th खत्म हो अगले अटेम्प्ट के अंदर इसको क्रैक कर डालें। अगर आप एक सेफ और सही तरीका पूछ रहे हैं तो बच्चों के लिए सबसे सेफेस्ट तरीका यह है कि पहले एग्जाम को समझना बेहद जरूरी है। जो बच्चे क्रैक कर सकते हैं, जिनको ये पता है कि मेहनत ही आखिरी रास्ता है क्रैक करने का, सर उनके लिए तो कोई भी टाइम सही टाइम माना जाएगा। बढ़िया बढ़िया। जो दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं बार बार, जो बेसिक डाउट होता है, यू नो एक लेमैन की तरह जो बच्चे पूछते हैं कि सर एनडीए के एग्जाम के लिए यू नो एलिजिबल होने जो होना होता है उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें 11th साइंस स्ट्रीम में ही लेना है। अगर मैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटी से हूँ तो क्या मैं ये अपीयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन डाउट सबको आता है, तो आई थिंक इफ यू कैन आंसर दैट। जी सर, ये डाउट तो मैंने भी काफी देखे हैं बच्चों के। तो इस डाउट के अंदर मतलब मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि आपको 11th क्लास में या 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम, या फिर आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। हाँ, जो चीज स्पेसिफिक है वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं तो आप एयरफोर्स विंग के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप नेवी और लैंड आर्मी के साथ जा सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर स्ट्रीम साइंस होना जरूरी है, तो वो सिर्फ एयरफोर्स विंग के लिए है सर, और बाकी के लिए आप कोई भी बैकग्राउंड आपका कुछ भी रहे, बस एलिजिबिलिटी ये है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। लेकिन फिर ये सवाल आता है ना कि सर अगर हम 11th में मैथ्स नहीं लिए, इफ यू आर नॉट अ मैथ स्टूडेंट, तो मेरा जो सब्जेक्ट 11th 12th में मैथ्स है ही नहीं, स्टिल कैन आई राइट दैट एग्जाम? ये एक बहुत लोगों का डाउट होता है। जी तो सर ये मल्टीपल स्टेजेस में हम लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं। पहला स्टेज ये कि बच्चे को पता है कि हाँ मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ, तो जब वो किसी भी बैकग्राउंड से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो वो साथ साथ ये कोशिश करे कि वो एटलीस्ट एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करे। एक सब्जेक्ट का वो लोड ले सकता है अपने स्कूल डेज के दौरान, ये उसे करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर वो दूसरे बैकग्राउंड से है। और साथ ही जब वो ये निश्चित हो जाए कि अब वो एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करेगा तो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस जरूर लेगा। तो गाइडेंस में जो रुकावटें आती हैं उसके प्री प्लानिंग की वजह से सर ये ठीक हो सकता है कि अगर वो थोड़ा भी अपने एफर्ट्स अगर वो स्कूल टाइम के दौरान लगाता है कि एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा मान के चले कि मुझे इन दिनों ये चीज पढ़नी है, तो इस तरीके से वो इसको कर सकता है। हालांकि आप कहीं पर भी बात करें, मैं अगर किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं और अगर उसने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो हम लोग जीरो से ही शुरू करते हैं सर। हम सिर्फ ये कहते हैं बच्चे से कि 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आपको आती है। सर ये मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये जान लेना चाहिए कि 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप सच में एलिजिबल नहीं हो। आप क्या, ये बहुत जरूरी बात है। आपके आपको डिवीजन पता होना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। बच्चे इन्हीं चीजों में अटकते हैं। तो अगर आप 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप 6 महीने में भी 11th और 12th तक की पूरी मैथमेटिक्स या फिर जो भी एनडीए में पूछा जाता है आप मेहनत के साथ उसे सीख सकते हैं।
तो ये डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी और कोई चीज नहीं है। और लेकिन करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चा जो 11th और 12th में साइंस बैकग्राउंड से रहा हो या फिर मैथ्स के साथ पढ़कर रहा हो तो वो उसको ज्यादा जल्दी सीखेगा क्योंकि वो पहले पढ़ चुका है। लेकिन जिसने पहले नहीं पढ़ा है तो उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा सर लॉस कह लीजिए, तो लॉस के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, राइट? या तो यू नो एक बड़ा कड़वा सच यही था कि 10वीं तक आपको मैथ्स कैसे भी करना होगा, यू नो यू हैव टू बी, ये सर बहुत जरूरी, बहुत। फिर लोग मुझे पूछते हैं, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ या मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो ये मायने रखता है क्या कि कोई भी बोर्ड से अगर मैं हूँ तो डिफिकल्टी लेवल में कोई डिफरेंस आता है व्हेन आई प्रिपेयर? इसका कहने का यह है कि इफ आई एम फ्रॉम द स्टेट बोर्ड या दूसरा बच्चा कोई सीबीएसई से है तो उसके कंपैरिजन में मेरा जो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या व्यू होगा? सर काफी अच्छा सवाल है। अगर हम लोग डिफरेंट बोर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो कई बोर्ड में थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाता है, कई बोर्ड में चीजें थोड़ी सी एलिमिनेट कर दी जाती कि ये नहीं पढ़ना है या फिर उस लेवल के हिसाब से डिफाइन नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बोर्ड्स की वजह से बच्चों को एक डिफरेंस तो फेस करना पड़ता है, क्योंकि कभी कोई बोर्ड बहुत ज्यादा पढ़ाकर आपको आगे भेजता है या फिर कुछ कम पढ़ाकर भेजता है। तो एनडीए के एग्जामिनेशन में एक अनडिफाइंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मतलब कोई बांध नहीं रखा है कि ये लिमिट है या इससे आगे ही नहीं जाना है, कुछ भी ऐसा डिफाइंड नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसा मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे जो हैं वो काफी ये दिक्कत फेस करते हैं कि सर हमारे तो सिलेबस से ही हटा दिया गया था। तो उसका सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है, जो भी आपके टीचर हैं जैसा आपको वो बता रहे हैं उस वक्त उसे सीखने की कोशिश की जाए, क्योंकि यही एक तरीका है कि अगर आपको ये पार करना है तो सर उस वक्त जो चीज आपके सामने है उसका इस्तेमाल किया जाए। बढ़िया बढ़िया। क्या कोई वर्नैकुलर मीडियम से जो बच्चा आता है, लाइक कोई हिंदी मीडियम, इंग्लिश, मराठी मीडियम या गुजराती मलयालम मीडियम, ये बच्चे अगर अटेम्प्ट करना चाहें एनडीए की एग्जाम, तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या डिफिकल्ट, बिकॉज मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स स्टिल यू नो अगर उसने मैथ्स पढ़ा होगा 10वीं तक, जो पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जीके एंड दी अदर पेपर, पेपर टू, हाउ डिफिकल्ट और इजी वुड बी फॉर अ वर्नैकुलर मीडियम के जो बच्चे होते हैं? सर इसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है गो फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही एकमात्र तरीका है जो आपको अलग अलग तरीकों से सर बेनिफिट पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो 25 मार्क्स, आई गेस 25 सवाल इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो वो एक काफी बड़ा वेटेज है। इंग्लिश जो बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आप वर्नैकुलर लैंग्वेज को रहते हैं तो वर्नैकुलर के हिसाब से आपको इंग्लिश को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक इंग्लिश में आपका स्कोर बढ़ाती है। दूसरा, आपका कंप्लीट जीएस जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जा सकता है, आपको नोट्स वैसे मिल सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए इंग्लिश जो है वो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर आपको कुछ कमी नजर आ रही है भीड़ से अगर टकराने के लिए, तो आपको इंग्लिश को फॉलो करना होगा, इंग्लिश के हिसाब से आपको आगे चलना होगा, आप उसी के मदद से इस जंग को जीत सकते हैं। ओके, ग्रेट 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 अखिल। तो ये जो थी, ये बहुत सारी बेसिक डाउट्स थे बच्चों के। और एक क्विक सवाल, यहाँ पर दो और सवाल है मेरे जो मुझे काफी लोग पूछते हैं कि सर अगर मैं एनडीए की तैयारी करता हूँ तो क्या मैं एनए नेवल एकेडमी एग्जाम भी इसी सेम सिलेबस से एलिजिबल हूँ या अपीयर कर सकता हूँ? सो दैट इज वन। और दूसरा ये सवाल होता है कि क्या सर एनडीए एग्जाम लिखने में या उसके मेरिट में आने के लिए मुझे आईआईटी जेईई का एग्जाम देना जरूरी है या उसकी रैंकिंग काम आ जाती है? दिस अ वेरी लेमैन क्वेश्चन, बट आई थॉट सिंस यू आर द एक्सपर्ट, ये दो सवाल थी जी। सर ये दोनों के अंदर आ जाता है आपका, सबसे पहले तो एनडीए और एनए दोनों आ जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसके लिए, आईआईटी जेईई के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं,
ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बच्चे को कोई रैंकिंग से कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, उसे एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कोई नीट का बच्चा हुआ तो वो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझ कर आया है, बहुत गहराई से पढ़कर आया है, वो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवालों के साथ डील करके आया है जब वो तैयारी करता है इन चीजों की, तो उसे एक प्लस पॉइंट मिलता है। डेफिनेटली एक पेपर वन मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट मिलता है, और साथ ही उसको जीएस के पेपर में भी काफी अच्छा खासा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर बात करें तो बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़े टेक्निकल रहते हैं, जो कि एक स्मार्ट माइंड को सोचने में मजबूर करता है। तो इस तरीके के सवाल रहते हैं। ओके, ग्रेट। अभी मैं बहुत लेमन क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये जो वीडियो देखेंगे हर एंगल से बच्चे देखेंगे, जो ढूंढ रहा है कि व्हाट इज एनडीए, व्हाट इज एसएसबी, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, पीपल आर अवेयर क्या होता है, बट आई विल आस्क वेरी बेसिक एंड लेमन क्वेश्चन कि एनडीए की जब मैं तैयारी करूंगा या पेपर लिखूंगा, ऑब्वियसली मैं ये तो होगा कि मुझे जानना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट होगा, सो बेसिकली क्या दो पेपर होते हैं एनडीए में? क्या दो पेपर होते हैं, मतलब जो हमारे पेपर वन और पेपर टू है वो? तो देखिए सर, पेपर वन जो है वो हमारे 300 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसमें हमसे 120 सवाल मैथ्स के पूछे जाते हैं, तो हमें करीब 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन सही करने के मिलते हैं, और 3 क्वेश्चंस गलत करने के एक क्वेश्चन मान लीजिए कट जाते हैं, 1/3 आपका माइनस है। तो अब ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर हम लोग स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हुए बात करें। क्यों? क्योंकि आप अगर कंपेयर करें पेपर टू के साथ, जो पेपर टू जीएस का, जिसमें हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं 600 मार्क्स के और 150 सवाल, तो सर मैथमेटिक्स से हमें समझ में आया कि 4 मार्क्स का एक सवाल है। आप ये भी फील कर पा रहे होंगे कि जीएस के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए 4 मार्क्स मिलना और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स मिलना, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो अब मैथमेटिक्स जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। अगर आप पेपर वन को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आगे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो अब इसके लिए मैथमेटिक्स का पढ़ना जरूरी है, जो कि मैं हमेशा बताता हूं कि आपको मैथमेटिक्स को क्वालिफाई तो करना ही है, लेकिन कुछ इतना सेफ स्कोर लेकर चलना है ताकि आप कॉम्पिटिशन के मेरिट लिस्ट में बने रहें। लेकिन मैथमेटिक्स में कंप्लीट एफर्ट दे देना भी एक गलत रास्ता हो सकता है। जब बच्चे को पता है कि जीएस पर ध्यान देने से वो अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकता है, तो उसे जीएस पर ध्यान देना चाहिए और जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स को इतना रखना चाहिए ताकि वो मेरिट में बना रहे, ठीक है? तो इस तरह की चीज मुझे लगता है कि दोनों पेपर को आपको समझकर चलना होता है। टोटल हमारा ये 900 मार्क्स का पेपर, जिसमें 300 मार्क्स हमें मैथ्स के लिए और 600 मार्क्स हमें जीएस के लिए मिलते हैं। तो ये रिटर्न को बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको प्लान करना है कि किस तरफ ज्यादा ताकत लगानी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। कई जगह पर ऐसा होता है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो बट आउटपुट नहीं आ रहा है, सो रॉन्ग फोर्स लगाने से आपको आउटपुट नहीं मिलता है, तो आपको एक सही जगह पर फोर्स लगाते हैं तो आउटपुट आपको नजर आता है। ओके ओके, सो अगर यू नो मुझे रिटर्न क्लियर करना है या रिटर्न के मेरिट में आना है, तो व्हाट वुड बी दी सेफ स्कोर, जो सेफ स्कोर होता है ना, एक बेसिक क्या लेके चलना होता है कि मैं एक सेफ स्कोर में आ जाऊं? जी, ये काफी काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों का। तो एनडीए अपना कट ऑफ जो तैयार करता है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट, आप समझ लीजिए ये 60% के आसपास मान के चलिए, ऐसा स्कोर हमारा अगर रहे बच्चे का तो वो बहुत अच्छे स्कोर पे बैठा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि आगे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और इस चीज का प्रचलन भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि एनडीए बहुत फेमस है अभी बच्चों में, और आज की जो जनरेशन है वो मतलब कंट्री के लिए सर्व करना चाहती है, ये चीजें उनके अंदर दिखती है, तो एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं। अब जब एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की वजह से हमें अपने ही मार्क को ऊपर सेट करना है थोड़ा,
तो अगर ये 60% हम लोग मान के चलते हैं तो हमें 70% या 80% के लिए एफर्ट लगाने चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा अगर डाउन भी अचीव करते हैं तो हम मेरिट लिस्ट में बने रहते हैं। जैसे यू नो लाइक वन गुड थिंग जो यू मेंशन कि लास्ट फोर फाइव इयर्स पोस्ट कोविड या जब से इंटरनेट यू नो सोशल मीडिया एंड थिंग्स केम, राइटली सेड, काफी लोग आर काफी बच्चे वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस नॉट ओनली एज अ करियर बट एज अ पैशन, बहुत सारे बच्चे। तो इसलिए जो कंपटीशन की जो मात्रा है इवन इन द मेरिट लिस्ट जो आते हैं अभी आजकल, इट हैज गॉन नॉच अप बिकॉज बीच में एक ऐसे लल पीरियड था जहां लोग जाना नहीं चाहते थे या बहुत शॉर्टेज होती थी। तो राइटली सेड, एंड इस माध्यम से उस सेफ स्कोर में आना बहुत जरूरी हो जाता है, यू नो लाइक टू गेट दैट कंफर्ट। यहीं पर दूसरा सवाल, यू नो लाइक अगर कोई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर अगर प्रिपेयर करें हम तो क्या हम सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं या कोई क्लासेस जाना होता है या कोई किताब पढ़नी होती है, क्या एग्जैक्टली करना होता है? फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि सर सेल्फ प्रिपरेशन से हो जाता है कि नहीं। सो आई ऑलवेज टेल नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट एक सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो समवन हु इज एक्सपर्ट, समवन हु इज दिस थिंग। सो व्हाट वुड बी योर थॉट ऑन दैट? सर बहुत जेन्युइन सवाल है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हो तो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन अब उस बच्चे को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में करना क्या है और वो उसी जगह पर एफर्ट्स लगा रहा हो। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत तब पड़ती है जब बच्चे को पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, तो गाइडेंस की जरूरत होती है सर, क्योंकि हर किसी को अगर पता है तो ये बहुत ऐसा नहीं चल रहा है एक्चुअली। तो और पता करना जो है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, जब आप अपीयर करते हैं, दो बार देते हैं, तीन बार देते हैं, आपको समझ में आता है कि मैंने क्या गलतियां करी। तो हमारे पास इतना कई बार समय नहीं होता है, हमारे बच्चे जो तैयारी करते हैं इनके जवान रहते ही अगर हम लोग इन्हें ऑफिसर्स बना देते हैं तो इनके लिए ये ज्यादा बेहतर चीज होगी, क्यों ना कि इनके मोटिवेशन डाउन होने के बाद ये तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में जाके ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस हैं तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, अगर आपको लगता है कि आपको सही रास्ता नहीं पता है तो। ये बच्चों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर उन्हें सही रास्ता नहीं पता है तो गाइडेंस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि गाइडेंस आपको मदद करती है सही जगह पर एफर्ट्स लगाने के लिए। और जिसमें बच्चे अगर करना चाहें तो उन्हें जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले उन्हें टेंथ तक का बेसिक, चाहे मैं ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हर एक एसएसटी के लिए कह रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको ये पता होना चाहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। उसके बाद वो एनडीए की तैयारी करना शुरू करें। अब एनडीए की तैयारी के लिए हमेशा बताया जाता है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अब ये कॉन्सेप्ट आप कैसे पढ़ते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद सवाल लगाने, सवालों के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तीसरी चीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं कि आपका पीछे क्या पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है उसको समझना है। ये तीन स्टेप होते हैं, अगर ये तीन स्टेप किसी भी बच्चे को समझ में आ जाता है तो वो उसके लिए ये रास्ता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। इसी पर और एक सवाल यहाँ पर कि जो बच्चा अगर मेरा अगर बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है मैथ्स में, कि ठीक है दसवीं तक मैथ्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है और मुझे एनडीए भी जाना है 11th 12th, तो क्या मेरे बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने से सिर्फ अगर मैं कोई कोचिंग या क्लासेस ले लूं या क्रैश कोर्स ले लूं तो क्रैक करना इजी होगा डिफिकल्ट होगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर देखिए, जो आपके डायरेक्शन देने वाले होंगे, जो टीचर होंगे, वो तो अपना एफर्ट पूरा देंगे, लेकिन बच्चे को कई बार वो बेसिक चीजों की वजह से वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप अपना समय अगर दे ही रहे हैं तो तैयार होकर दीजिए, जिस चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप उस पर कदम रखेंगे तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है या फिर कोई भी चीज जो आपको बेसिक से जोड़ती है वो अगर सही नहीं है तो क्यों ना आप कहीं पर ज्वाइन करने से पहले आप उस चीज को कंप्लीट कर लें,
उस पर मेहनत करें और फिर उतरिए, आपके सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बढ़िया बढ़िया। सो काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए, और एक दो यू नो लाइक आई एम आस्किंग लाइक अ वेरी क्यूरियस किड जिसको बोलते हैं ना, एक जो बच्चा अभी देने जा रहा है, आई एम सीइंग दैट इन माय ओन सेल्फ कि अच्छा मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी। सो जो पेपर टू होता है, जैसे हमने पेपर वन की बात की मैथमेटिक्स की, पेपर टू में जनरली क्या होता है जो 600 मार्क के पेपर होते हैं, हाउ टू टैकल दैट पेपर टू? सर पेपर टू में एक वास्ट जो हमारा पोर्शन रहता है वो अंग्रेजी का रहता है, सो इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप भी बताएंगे कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट एसएसबी में भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो एक तो हमें जीएस के पार्ट में इंग्लिश में बहुत बड़ा एक रीजन मिलता है जो कि हमें कवर करता है, अच्छा खासा स्कोर बिल्ड करता है। अगर आप उन 50 सवालों में से 40 सवाल भी सही लगा देते हो तो एक अच्छा खासा स्कोर आप बिल्ड कर चुके हो। तो फिर उसके बाद आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो ये सिर्फ क्लास 10 तक का रहता है, और अगर मैं इसका एक्चुअल लेवल बताऊं जितना मैं समझ पाता हूं, क्योंकि मैं साइंस भी पढ़ाता हूं, मतलब बहुत छोटे बच्चों को मैं साइंस पढ़ाता हूं, मुझे समझ आती है इस चीज की, तो मुझे समझ में आता है कि वो क्लास 11th और 12th को ना जस्ट छूकर नीचे आ जाता है वापस। मतलब अगर आप बात करिए कि क्लास 10th और 9th में जो साइंस पढ़ाई जा रही है उसका एप्लीकेशन क्या है 12th में, बस उससे रिलेटेड चीजें वो पूछ लेता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि 11th 12th की साइंस ही सॉल्व करवाने चले जाता है, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो ये काफी आसान होता है, आपको बस डीप स्टडी लेनी होती है क्लास 10 तक की। और फिर अगर हम लोग बात करें पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो सर इन टॉपिक्स के बारे में तो ये तो आपको क्लास 10 तक ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया जाता है। अब इससे बाहर का क्या है कि आप बहुत स्पेसिफिक चीजों में पढ़ते हैं, अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्लास 11th और 12th की जो ये किताबें हैं उनको पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी को, उसमें काफी डिटेल में चीजें बताई जाती हैं और इसी से रिलेटेड आंसर भी सेट किया जाएगा, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी हिसाब से मेन उसे मानकर आंसर सेट किया जाएगा, तो ये भी जरूरी है। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। करंट अफेयर्स बच्चे कई बार इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि करंट अफेयर्स के कितने ही सवाल आ जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स की खास बात यह है कि जो आप पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीएस का कोई टॉपिक हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ये आपको जोड़ता है इन सब के साथ। ये जोड़ना बहुत जरूरी है, जब ये जोड़ता है तो आपकी नॉलेज एक डायरेक्शन में नहीं मल्टी डायरेक्शन में फैलना शुरू करता है। तो करंट अफेयर्स को कभी भी साइड नहीं रखना है। ये जीएस के पेपर का जो मीडियम है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हें एक साथ क्यों रखा गया, क्योंकि इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो हमेशा से यूपीएससी ने आईएएस के एग्जामिनेशन में भी वैसे ही पूछा है, और इसने यहां पर भी कुछ वैसे ही पूछने की कोशिश करी है, जहां वो आपको एक जगह पर लाना चाहता है, ना कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को दिखवाना चाहता है। सो अखिल बढ़िया था। लास्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं हमेशा यू नो मैं एक एवरेज और बिलो एवरेज लास्ट बेंचर रहा हूं, बट फिर भी मैंने यू नो दो बार एसएसबी क्लियर किया है, तो क्या एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा, जिसका आंसर मैंने तो ठीक है मेरे माध्यम से मैंने दे दिया, बट व्हाट इज योर थॉट कि काफी बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर एक स्मार्ट बच्चा या यू नो इंटेलिजेंट बच्चा ही एसएसबी क्रैक एनडीए क्रैक कर सकता है, सो व्हाट इज योर थॉट? So I'm asking for an average student like me. सर बिल्कुल एवरेज बच्चा बिल्कुल कर सकता है, बस जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 60% की वो चाहिए। और ये बात हमेशा से सच है कि जरूरी नहीं जो पेपर में अपने आंसर को लिख पा रहा है तो उसी की नॉलेज ज्यादा होगी, ये जरूरी नहीं। सर कई बार मैं ये मानता हूं कि बच्चे के दिमाग में अगर कोई चीज ज्यादा अच्छे से स्टोर हो पा रही है बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो एक तरीका है नॉलेज को डिफाइन करने का। और यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, क्योंकि अगर बच्चे को जवाब पता है तो वो आंसर लगा देगा, उसे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। हालांकि एक्सप्रेस करने का भी जो एक तरीका होता है वो चुना जाता है एसएसबी के अंदर, हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा टास्क जहां पर रहता है जहां पर आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने होते हैं, लेकिन यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन फील होती है वो ये कि बच्चे को अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं करना है कि मैं इसके बारे में ये जानता हूं या फिर इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बस उसे एक आंसर टिक करना है और आगे चल जाना है।
तो ये मेरे ख्याल से एवरेज बच्चे के लिए, अगर वो नॉलेज को समझ रहा है, उसको यूज करना जानता है, तो उसके लिए भी ये सर बहुत आसान काम है। जरूरी नहीं है कि हाँ जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स में 90+ लेकर आए हैं सिर्फ वही एलिजिबल या फिर वही एक्चुअली कैंडिडेट माने जाएं। अगर उनके पास नॉलेज है जो कि 60% भी ला रहे हैं, अगर वो सही जवाब चुन सकते हैं तो दे आर एक्चुअली केपेबल। ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन, यू नो लास्ट क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम राइटिंग दिस एग्जाम, तब मैं लगभग 12th स्टैंडर्ड मींस क्लोज टू 17 एंड हाफ इयर्स, 18 के आसपास रहता हूं, 18, तो मैं कब तक और एग्जाम और कितने अटेम्प्ट होंगे मेरे लिए? सर ये हर बार जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है, तो उस डेट से ये कैंडिडेट को कहते हैं 16.5 से लेके 19.5 तक के एज गैप में रहना चाहिए। जो भी बच्चा यहाँ पर, जो भी कैंडिडेट है, जब वो अप्लाई करता है तो उसको उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से अपनी एज को देखना है कि क्या वो 16.5 से 19.5 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो बस इसी बेसिस पे रहेगा कि अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये आपका एज बैरियर के हिसाब से रहता है। ओके, सो ग्रेट ग्रेट अखिल, आई थिंक बहुत सारे जो डाउट थे मेरे इतने साल से, क्योंकि यू नो कभी वो पेशेंस रहा नहीं कि यूट्यूब पे जाए, कोई बच्चे पूछते हैं तो कैजुअली तो बहुत आंसर कर देते हैं, फिर किसी के पास डायरेक्ट कर देते हैं, बट थैंक्स टू यू बिकॉज यू नो काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए। अभी शायद हम भी ओपोजिशन में होंगे कि एटलीस्ट दैट इमीडिएट आंसर किसी को देना, तो आई कैन स्टिल टेल कि ओके ऐसे ऐसे करो, एंड बहुत ज्यादा अगर आपको जानना हो तो देर आर एक्सपर्ट्स लाइक अखिल हुज देयर, सो थैंक यू सो मच। दिस वुड डेफिनेटली यू नो हेल्प ऑल द स्टूडेंट, बिकॉज ये मेरा जो तरीके का क्वेश्चन था, दिस इज वॉट यंग लेमैन, यू नो अगर मैं मेरे अंदर का बच्चा सोचूं मुझे एनडीए में जाना, दिस इज वॉट आई वुड आस्क। सो और नोइंग द डेमोग्राफी ऑफ द सो मेनी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यूट्यूब फॉलोअर्स, आई थिंक हर बच्चा यही जानना चाहेगा यू नो कि कैसे है करके। सो थैंक यू सो मच, अमेजिंग, थैंक्स थैंक्स जी सर। तो अब ये यहाँ पर हमारी सारी बात हो जाती है कि एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करना है। अब ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये सिर्फ पहला पड़ाव है, इसके बाद एक दूसरा पड़ाव जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बच्चे के जीवन में अगर हम लोग कहते हैं कि एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है जहां वो जाके रहता है और पूरा इंटरव्यू अपना अटेम्प्ट करता है, तो SSB हम लोग जानते हैं कि SSB बहुत ज्यादा साधारण सी चीज तो नहीं है, इसे समझ पाना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। कई बार तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग क्यों बाहर हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज मिसिंग पाई जाती है जो उसे कभी समझ ही नहीं आती कि मैं इसे सुधारूं। वो अब मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते रहते हैं लेकिन फिर भी SSB क्लियर नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को SSB के लिए कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज कहाँ से शुरू करना चाहिए SSB क्रैक करना हो अगर उसे। हाँ अखिल, तो ये सवाल काफी आते हैं, यू नो लाइक बीइंग अ फॉर्मर या वेटरन, काफी लोगों को लगता है कि इन्होंने फौज ज्वाइन कर लिए तो ये सब जानती है, तोप तलवार है, ऐसे कुछ नहीं, वी ऑल आर नॉर्मल पीपल, हम सब आप ही के जैसे हैं। तो यू नो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से, यानी कि पहला चीज है कि जैसे आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, NDA NA या जो भी इस स्ट्रीम के लिए आप जाओगे, रिटर्न एग्जाम क्लियर जैसे आप हो जाते हैं तो पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि इतना अच्छा एग्जाम क्लियर कर लिया, जो बहुत कम लोग क्लियर होते हैं। यू नो जैसे अखिल ने बताया प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, सो सबसे पहले यू शुड बी प्राउड, ऑल ऑफ यू शुड बी प्राउड कि आई हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम। यू नो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको SSB के बारे में जानना। SSB का जो फुल फॉर्म है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यू नो ऑल ऑफ अस नो। काफी बच्चे आते हैं कि सर होता क्या है उसमें, दो काफी सारे किताबें पढ़ते हैं, सो द फर्स्ट बेसिक थिंग, फुल फॉर्म इज फाइन, द फर्स्ट बेसिक थिंग इज, ये मैं बहुत कम लोग बताएंगे, ये पहला बेसिक थिंग इज कि यू शुड हैव योर रिकॉर्ड्स क्लियर। सो व्हेन आई एम सेइंग रिकॉर्ड्स क्लियर, जो आपका ना कोई आपके ऊपर पुलिस केस होना चाहिए, ना कोई ये सारी चीजें होना चाहिए, यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये कोई बताते नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई कहीं पे लफड़े में ना पड़ो या कोई फ्यूड में ना पड़ो, क्योंकि वहां वो कैरेक्टर क्लीन जो बोलते हैं ना, क्लीन कैरेक्टर फ्रॉम पुलिस स्टेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच कम्स लेटर। अगला चीज है कि यू शुड बी इंजुरी फ्री। यू नो यंग होते हैं, 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड दैट इज द एज जब टीनेज बहुत एकदम बोलते हैं ना, जिसको जवानी एकदम टॉप पे होती है, तो बाइक से ये करेंगे वो करेंगे, गिर जाते हैं या एक्सीडेंट होता है, रॉड वीड चढ़ जाता है, तो यू आर गॉन। सो दिस आर दी वेरी टू थ्री बेसिक थिंग्स यू शुड टेक केयर राइट नाउ बिफोर गोइंग टू SSB। आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट मैं हर टॉक में या जहां पे भी बोलता हूँ, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी, आप पैशनेट होना चाहिए, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट यूनिफॉर्म। फौज इज नॉट अ जॉब, इट इज नॉट अ जॉब। अगर आप सोचोगे कि मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ तो बिल्कुल मत जाना। यू नो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सैलरी क्या होता है, पर्क्स क्या होता है, बिफोर दे क्लियर पर्क्स क्या होते हैं, फैसिलिटीज क्या होता है। तो ऐसे बच्चों से मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इट इज गुड फॉर इंफॉर्मेशन, बट अगर आपका पहला चाह ये है तो बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। यू नो सो फौज इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म, यू हैव टू बी पैशनेट, एंड यू नो द फर्स्ट थिंग इज कि नेशन कम्स फर्स्ट। और ऐसे टाइम आए, यू वुड बी सीइंग सो मेनी यंग ऑफिसर्स सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन, जिसको बोलते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, एंड दैट कम्स ओनली बिकॉज ऑफ पैशन। ओके सो पहला चीज ये है, एवरी यंगस्टर हैज टू बी पैशनेट। ओके अब जब पैशनेट होने के बाद वो माइंडसेट बनता है, माइंडसेट मतलब व्हेन यू आर पैशनेट, फौजी माइंडसेट स्टार्ट बिल्डिंग अप। सो फ्यू थिंग्स बिफोर, इवन इफ यू बिफोर अपीयरिंग फॉर द एक्चुअल SSB, वन इज यू नीड टू बी फिजिकली फिट। सो व्हेन आई एम सेइंग फिजिकली फिट, ये आप 9वीं 10वीं से आपको वो एंड्योरेंस बिल्ड होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, जिसको हम पुशअप्स बोलते हैं, पुलअप्स बोलते हैं, चिनअप्स जिसको बोलते हैं, स्क्वाट्स जिसको बोलते हैं। सो यू नीड टू बी फिजिकली फिट, यू नो यू नीड टू बी फिजिकली फिट। सो ये फिटनेस पे आप मेहनत करो पहली, ये सब SSB क्लियर होने से पहले, जाने के पहले, बिकॉज यू हैव टू बिलीव दैट यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म। क्योंकि जैसे हमारा माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये पूरा SSB ये तीन चीजों का खेल है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। बिकॉज आप विजुअलाइज करोगे आपने आपको कि ठीक है मैं आर्मी का OG पहन रहा हूँ या नेवी का वाइट या एयरफोर्स का ब्लू, तो आपका जो 20% जॉब इज ऑलरेडी डन, आपके माइंड में ऑलरेडी बैठ गया कि मैं पहन रहा हूँ, मैंने तो वर्दी में देख लिया अपने आप को। उसके बाद जो 80% जो माइंडसेट है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का खेल जो है, सी SSB इज ऑल अबाउट योर थॉट, योर एक्शन एंड योर स्पीच, जो यू नो संस्कृत में भी हम कहते हैं, वी हैव गॉटन यू नो गुड फ्रेज फॉर दैट। सो इट इज ऑल अबाउट दैट, आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, आप क्या करते हो, दिस इज वॉट SSB इज। कोई तोप तलवार नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत लोग बोलेंगे, बहुत वेटरन कोई ऑफिसर्स को आप सुनेंगे कि यार हम तो ऐसे ही चले गए थे, सेलेक्ट हो गए। नहीं, वो नोशन में आप बिल्कुल मत रहना कि कोई बोला कि मैं तो ऐसे ही चला गया था, कुछ कुछ बोल दिया, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी किताब। सी ऑफिसर बन जाने के बाद, यू नो आई टेक दैट लिबर्टी, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस SSB में गया, पूरे मजे किए 4 दिन और 5वें दिन सेलेक्ट हुआ। ऐसे कभी नहीं होता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू नो यू हैव टू प्रिपेयर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे आप रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाते हो, जैसे आप SSB के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपके पास SSB का लेटर आएगा टू अपियर फॉर द SSB इंटरव्यू, वन ऑफ दोज सेंटर्स, जो भी सेंटर्स आपको मिलेंगे, यू नो भोपाल, अलाहाबाद, वेरेवर, जहां भी आपका मिलता है। पहला चीज, अभी भी 2-3 दिन पहले भी मुझसे किसी ने कहा था कि सर मेरा SSB सो एंड सो डेट को है और मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा वहां पर। नहीं, सुबह सुबह नहीं पहुंचना, आपको प्रीवियस डे इवनिंग पहुंचना है। यू कैन नॉट टेक चांस, बिकॉज इतना मेहनत करके आप NDA के एग्जाम लिखे हो, सैक्रीफाइसेस किए हो, एंड देन यू आर गेटिंग दिस चांस, एंड खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग वुड हैपन। सो बी देयर बिफोर अ डे, हैव दैट लिबर्टी एंड टाइम इन योर हैंड। ठीक है, अब आप पहुंचने के पहले ये भी ध्यान देना है, डॉक्यूमेंटेशन, द फर्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन। मैंने देखा है बच्चों को, मैंने देखा है मेरे काउंटर पार्ट जो SSB को आए, कुछ भूल गए, यू नो
were casual last moment mein check nahi kiya, mark sheet nahi tha, ye nahi tha. You are gone. They won't entertain you, you know. So आपकी जो जर्नी थी घर से लेके वहां तक एकदम वो एकदम व्यर्थ हो जाएगा और वो सिटी देख के आप वापस आ जाओ. सिटी भी नहीं देख पाओगे क्योंकि डिप्रेस हो जाओगे वहीं पे किनारे क्या कर दिया मैंने. सो डॉक्यूमेंटेशन, हैव क्लियर डॉक्यूमेंटेशन बिफोर यू गो देयर. देन यू नो व्हेन जब आप वहां पहुंचते हो, आप रेलवे स्टेशन या जहां भी पहुंचते हो, अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हो तो बहुत सारी रेलवे स्टेशन पे देयर आर बस व्हिच टेक यू टू द एसएसबी सेंटर, और कहीं कहीं आप डायरेक्ट भी जा सकते हो. सो दिस आर दी प्री थिंग जब आप एक्चुअली पहुंचने के पहले. अब आप पहुंच गए वहां पर, पहुंच गए, लोगों को मिले वहां पर, ये ध्यान में देना आप वहां पहुंचोगे तो ऑफिसर जैसे पहुंचना पहले से. व्हेन आई से ऑफिसर जैसे, योर हेयर हैज टू बी ट्रिम, यू नो एकदम आप हमेशा ऑफिसर जैसे बिहेव होना चाहिए. दिखने में भी यू शुड बी दैट क्रॉप कट एंड ऑल, ताकि आपको देखे ना तो लोगों को लगे कि भैया ये बंदा या ये बंदी. फॉर दी गर्ल्स यू नो लाइक चोटी वगैरह जो मानते हैं एकदम नीट जैसे बोला, तो दैट फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पीपल सीइंग यू इज दैट ये बंदा बनेगा, यू नो. एंड जब कलेक्टिवली सारे बंदे बोलेंगे ना कि ये बंदा बन सकता है, तो दैट पॉजिटिव वाइब हैज ऑलरेडी एम्ब्रेस्ड यू. आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब ऑलरेडी आ गया है, करेक्ट. देन कम्स, फिर आप रिपोर्ट किए, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हुआ, जो तो पहला टेस्ट होता है स्क्रीनिंग, फर्स्ट डे स्क्रीनिंग, यू नो. काफी लोग इनफैक्ट या इनफैक्ट यू नो काफी लोग, आई नो अ पर्सन, आज की बात है, आई नो अ पर्सन टुडे इटसेल्फ, शी हैड क्लियर्ड दी, इसके पहले कॉन्फ्रेंस, दो कॉन्फ्रेंस लास्ट तक, and she was supposed to get selected, okay? She was supposed to get selected. Unfortunately, that was the level of that student. आज मुझे message आता है कि sir, first day screening था, screen out हो गया मैं, you know? So imagine जो लड़की too good, and आज first time screen out हो गई, and she, उसको भी नहीं पता मैं screen out क्यों हुआ. So screening and all is a ball game. Or kal you know 30th ko I have a lecture, you know I've been invited for a lecture jisme main aur deeply us pe dwell karunga, beginner strategy for SSB, you know, because do SSB ki mujhe ye hai. So yes, to hum screening tak pahunch gaya, right? तो सर ये मतलब रहता तो काफी सारे इसमें एसएसबी के, अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि एसएसबी पूरा एसएसबी के दौरान हमारे साथ कौन कौन सी चीजें होती हैं और क्या क्या टास्क हमें करने होते हैं. ये तो सर आपने उनके एंटर करने से पहले आपने कहा कि हाँ उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, अच्छे से मतलब वो सारी प्रिपरेशन उन्हें करके चलनी चाहिए, चाहे वो एक रात पहले हो, एक दिन पहले हो, वहां पर पहुंचकर उस जगह को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, सारी पॉसिबिलिटीज उसको करके आना चाहिए, है ना. लेकिन जब वो एसएसबी के अंदर जाता है और उसको अटेम्प्ट कर रहा होता है, उसको फेस कर रहा होता है, तो उस दौरान उसके कौन कौन से ऐसे टास्क होते हैं जो उसको करने होते हैं, सर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आप बच्चों को अगर आइडिया दे सकते हैं, उनको समझने में काफी मदद हो पाएगी. तो करेक्ट. सो अब हम यू नो सेकेंड स्टेप पे आते हैं जहां स्क्रीन इन में पहुंच गए. तो स्क्रीन इन के दौरान पहले तो आपको बुलाएंगे चाय कॉफी वगैरह दे के, कंफर्टेबल इतने दूर से आए हो तो हैव मेजबानी होगी, यू नो ऑल दोस थिंग डन. उसके बाद स्क्रीन इन में पहला जो टेस्ट होता है दैट इज OIR, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग एंड PPDT, ये जो चीजें होती है. सो इंटेलिजेंस रेटिंग क्यों होता है, इट इज टू सी कि आपके पास बेसिक इंटेलिजेंस तो हो, यू नो. और ये क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट. आप कोई भी बैंकिंग का एग्जाम ले लो या कोई भी एग्जाम ले लो, किताब ले लो, ये होगा कि चार डिब्बे में ये है, पांचवा डिब्बा कैसा होगा, ऐसे बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट, यू नो मोर ऑफ नोइंग कि बंदा सोच तो सकता है करके. डिफिकल्टी लेवल बहुत ये नहीं होगी. कभी कभी आप फनी सडनली आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ दिया, मतलब यू नो मैं इतना भी बेकार हूँ कि पहले इसमें एक बिंदी होगा, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, तो पूछेगा कि चौथे में कितना है, तो ऑब्वियसली यू नो चार जो भी है ना, तो दिस इज व्हाट दे वांट. सो आइडिया इज कि आपके पास बेसिक इंटेलिजेंस है कि नहीं.
right? So that is the first thing, screening ke questions aate hain, and then there is a defined time to write that, and then comes the PPDT. PPDT is aapka picture descriptive test jisko bolte hain. So usme aapko ek there is a picture which is given and you have to build in a story around that. Now the biggest part is yahan ek group of people because so many people come for screening. और अब स्क्रीनिंग से लेके कॉन्फ्रेंस तक में काफी लोग वॉश आउट हो जाते हैं, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया. तो जब पीपीटीटी होता है सो आपको पिक्चर दिखाते हैं, यू हैव टू बिल्ड इन अ स्टोरी अराउंड दैट, एंड आपको आपका चांस मिलेगा व्हेन यू आर मेड इन अ ग्रुप टू नरेट दैट. सो लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, जैसी पिक्चर आया आपने लिख दिया स्टोरी, मारा मारी. यू नो आई हैव सीन एन नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे जीटीओ फ्रेंड्स है या SSB officers जो रहे मेरे, बोलते हैं everyone want to express, you know, why not? तो थोड़ा ही time होता है और सबकी सबके जहन में ये होता है कि यार कौन भार होगा, because बहुत सारी चीजें सुन के आए होते हैं. सो वो मच्छी मार्केट हो जाता है वहाँ पे, इट्स अ लिटरल मच्छी मार्केट, everyone trying to say, and there are people, जब वो पिक्चर दिस, what one should understand is, जो पिक्चर वहाँ पर दिया है जिसके अराउंड आपको बनाना, you have to write very practical thing about it. Outcome, एक positivity आनी चाहिए, but that doesn't mean कि आप reality भूल जाओ. You know, picture में कुछ भी होगा, बंदे को किसी ने बोला होता है सिर्फ positive लिखना, तो अगर कोई ऐसे मरता भी होगा तो positive बना के लिखेगा उसको. That is one aspect, but you have to write practical things. Practical with an outcome, with a positive outcome, कि अगर आप उस situation में होते तो कैसे करते. That is one thing. फिर जब आपका चांस आएगा PPDT में, when people discuss between you, and by chance, अगर सारे ग्रुप ने अगर आपको सेलेक्ट किया कि ठीक है आप जाके बोलो, तो आपका आधा चांस तो वही बन गया कि भैया ये सेलेक्ट हो गया करके. अदरवाइज यू हैव टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ, वो जितने टाइम में आपको मिला कि I'm so and so, and I think very smartly, very clearly, कि ये होना चाहिए करके. And I've seen and I've known so many students जो एकदम clarity और clear हो करके बोलते हैं, वो more or less they get through, you know. तो ये जो पहला दिन होता है screening का, it is very tough on us because most of the people काफी लोग निकल जाते हैं उसमें, और इसका कोई pattern नहीं होता है. जरूरी नहीं होता है कि आप last time clear किया. मुझे ये भी पता है कि 5-5 SSB clear हुए बंदे रेकमेंड हुए बंदे स्क्रीन आउट हो जाते हैं बाद में जाके. सो इट इज जस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा लक भी प्ले कर जाता उस दिन. सो इट इज व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली हैपन ऑन दैट डे. सो अभी आप स्क्रीन इन हुए, नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्फ्रेंस. उसके बाद सबका नंबर जो भी बोल देते हैं. जो बच्चे स्क्रीन इन नहीं हुए, सेम डे दे गो बैक, सेम डे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे गो बैक. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैं ये भी जानता हूँ, आई हैव अ स्टूडेंट नहीं, जो इंस्टाग्राम पे गाइडेंस लेता है, एक बच्चा 22वें बार SSB क्लियर किया, 22nd टाइम, शायद मैं इससे बड़ा नंबर कभी नहीं देखा है. इतना पैशनेट, फाइनली लास्ट अटेम्प्ट ही क्लियर, नाउ इज अबाउट टू क्लियर इज, अभी OTA से निकलेगा वेरी सून, सो वैसे भी होता है. तो दैट केस, सो कहीं पे भी अपने को डिजेक्ट होने की जरूरत नहीं है. सो नाउ यू came back, screen out वाले घर आ गए, screen in वाले अंदर चले गए. अब 4 दिन का चालू हो जाता है conference, जिसको बोलते हैं ना हम conference. तो conference में बहुत सारे test होते हैं, basically psych test होता है to see what forge wants. Forge has a defined character. उनको कोई Einstein नहीं चाहिए, they don't want a very super duper human. They want an average trainable person. This is very important. Average trainable person. तो जो भी बंदे बंदियों में दिख जाता है, तो सडनली आप देखोगे ना लास्ट दिन जब रिजल्ट बोलते हैं तो सब लोग सोचेंगे यार ये कैसे सेलेक्ट हो गया करके, एंड कभी कभी ऐसे भी होता है एवरीवन नोस कि ये बंदा ही सेलेक्ट होगा. तो दोनों चीजें आती है. सो जो सेकेंड डे से लॉट ऑफ टेस्ट हैपन, टैट जिसको बोलते हैं, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, वैट जिसको बोलते हैं, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आई टेल एवरीवन इज दैट एक PIQ फॉर्म होता है, which is your personal interview questionnaire जिसको बोलते हैं. आगे जाके सेम इज
वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर इंटरव्यू, जब पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, तो लोग क्या करते हैं ना पीआईक्यू में, पीआईक्यू के फॉर्म में, वो लोग जो नहीं लिखना है वो भी लिख देते हैं, मौका मिला है लिखना है तो वो बड़ा चढ़ा के, क्योंकि ना मैं ही अगला ये हूँ, लोग आई एम द मोस्ट हैंडसम गाय, लड़कियां मेरे इस इर्द गिर्द होते हैं, एवरीवन वांट टू टॉक टू मी, जबकि वाकई में नहीं है, यू नो। सो पीआईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फॉर्म ऐसा है कि आपको आपके बारे में जानना है, व्हाट इज यू, एंड ट्रस्ट मी ये सबसे टफेस्ट चीज होता है, अपने आप को अपने बारे में जानना। इवन यू एंड मी, अगर आज हमें बोल दिया जाए कोई पीआईक्यू, हम भी 10 बार सोचेंगे कि कट करेंगे, अरे मेरे मित्र तो बोलते हैं कि तू गधा है करके, यू नो एक्चुअल में, बट मैं लिखूंगा कि नहीं, मेरे मित्र सब चाहते हैं कि मैं आसपास ही रहूं करके, फिर हम कट करेंगे, बोलेगा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं बोलता है, ये तो उल्टा ही बोलता है। सो पीआईक्यू बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ सबको ये जानना जरूरी है, जो जीटीओज होते हैं, जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने लाखों लाखों स्टूडेंट्स देखे हैं, लाखों लाखों, और उनकी ट्रेनिंग भी होती है, भयंकर ट्रेनिंग होती है उनकी, एक भी बंदा या बंदी गलत आ जाए तो ही इज आंसर क्वेश्चनेबल, यू नो फॉर दैट। सो उनको तो बनाना बहुत मुश्किल है। सो यस, कमिंग बैक, टैट होता है, वैट होता है, ये जो टेस्ट होती है, SRT, SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो इन सारे चीजों में आपका जो साइक है वो टाइम पर, कि आपका कोई मेंटालिटी नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, या टेररिस्ट मेंटालिटी है, जो उसमें साइकोलॉजिस्ट होता है उसको पता चल जाता है कि आप कैसे हो करके, यू नो, फिर आप कितना झूठ बोल रहे हो, कितना सही बोल रहे हो, सब कुछ उसमें पता चल जाता है। देन कम्स द ग्राउंड टेस्ट, GTO टेस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत सारे टास्क जिसको होता है। सो यू नो ग्राउंड टेस्ट इज मोस्ट, उसका बेसिक चीज क्या होता है कि जस्ट टू सी हाउ यू जेल इन अ ग्रुप, है ना। फौज इज ऑल अबाउट, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, you know, it's not about individual, FOG is about team. So GTO task mein they try to see that how are you as a group person, how are you also as a leader, you know, how you gel both sides. So bahut sari task hote hain, probably I will cover this tomorrow more detail jab wo beginner strategy wale mein aa jayenge SSB mein, so probably I'll cover a bit more. So ye hota hai wahan par GTO. Then aapka lecture rate hota hai, लेक्चर रेट इज समथिंग, आपको टॉपिक दिया जाता है, 4 टॉपिक, एंड देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट, तो उसमें ना देखते हैं कि हाउ नॉलेजेबल यू आर, मतलब नॉलेजेबल ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब उस टॉपिक के इर्द गिर्द आपको कितना पता है, आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है, प्रॉब्ली दे कम टू नो फ्रॉम दैट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आई मूवमेंट, आपका हैंड मूवमेंट, वो देखते हैं आपको वहां पर कि ठीक है, कोई आइंस्टाइन वगैरह नहीं चाहिए, कोई शेक्सपियर नहीं चाहिए, अगर आप इंग्लिश, ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है क्या, तो इंग्लिश आना जरूरी है, आई मीन देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, बट वर्किंग इंग्लिश इज गुड इनफ, यू नो वर्किंग इंग्लिश इज गुड इनफ, बिकॉज मैं बहुत छोटे स्कूल से हूँ, छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, जहाँ मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था ढंग से, बट वर्किंग इंग्लिश आता था, यू नो, सो मैनेज्ड, सो वर्किंग इंग्लिश यू कैन, इट इज मच दिस थिंग। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन इस वहां देखने में बहुत मजा आता है, डिस्कशन डिबेट होके मारामारी में बदल जाता है, यू नो, एंड पूरी मच्छी मार्केट वाली सीन होती है, ये सारे बहुत सारे ट्रेनर्स भी बताते होंगे कि मच्छी मार्केट कंडीशन, तो ग्रुप डिस्कशन इज ग्रुप डिस्कशन, यू नो यू हैव टू डिस्कस, तो उसमें एक इंडिविजुअल के तहत कैसे होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन, क्या होना चाहिए, अगेन आई विल टेल इन डिटेल टुमारो ड्यूरिंग दैट क्लास। And of course, then comes the personal interview. Personal interview is a time jab, you know, jo personal interviewing officer hota hai, he or she sits with your PIQ, aur usko tab tak aapke bare mein bahut kuch pata chal gaya hota hai, you know. Isliye PIQ bahut zaruri hota hai, you know. Ek simple se example hai, koi bachcha agar usme likhe ki main bahut zyada extrovert hoon, aur pure 5 din mein usne kuch baat hi nahi kiya hoga, chupke se side pe baitha, so both thing doesn't match. ना आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इट्स अ टोटल कॉन्ट्राडिक्शन, सो सच थिंग्स यू नो इट्स अ श्योर शॉट नेगेटिव फ्लैग फॉर यू। एंड पर्सनल इंटरव्यू में आपको बहुत कंफर्टेबल करते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, कोई कोई कभी कभी हम इतना प्रिपेयर होके जाते हैं ना, और वो सिर्फ घर का पूछता है,
मम्मी डैडी ये वो, एंड सडनली हमें लगेगा यार, मतलब फिर बाहर आके जब हम ग्रुप में बैठते हैं ना, बोलते यार मेरे से तो सिर्फ इतना ही पूछा, बाजू वाला बोलेगा अरे मेरे से तो रफाले के बारे में पूछा, क्रिकेट के बारे में 45 मिनट्स, तो सब बोलते हैं अरे तू सेलेक्ट हो जाएगा, मैं तो गया करके, एंड देन सडनली यू विल बी सरप्राइज, ये जो बच्चा जिसके मम्मी पापा के बारे में पूछा ही सेलेक्टेड. सो दैट इज हाउ द SSB, एंटायर SSB हैपन. एंड देन कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस फाइनल, उसमें यू कम टू नो हु आर दोज पीपल. बैचेस के बैचेस वॉश आउट हो जाते हैं, एंड गुड नंबर ऑफ सिलेक्शन इज ऑल्सो देयर, 8 मैक्सिमम, 8 to 9 भी गए, बट मिनिमम इज बिटवीन 4 to 6, 3 to 6 के बीच में हो जाते हैं सेलेक्ट, यू नो. एंड जो बच्चे नहीं सेलेक्ट होते दे हैव टू कम बैक आफ्टर दैट 5 days, एंड यू कैन प्राउडली से दैट यू हैव अपियर्ड फॉर एन SSB इंटरव्यू. यू नो देयर इज, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है कि मैं क्लियर नहीं हुआ. इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू रीवर्क अगेन, टू एनालाइज अगेन, एंड इफ यू आर पैशनेट, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको जब तक एज है आपका, यू शुड बी पैशनेट टू ज्वाइन, बिकॉज जैसे एज खत्म होता है आप तो एलिजिबल भी नहीं होंगे फॉर्म भरने. सो ट्राई ट्राई, बट विथ प्रॉपर यू नो प्रिपरेशन. बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपने मतलब पूरा डिटेल में ही आपने करीब बच्चों को बता दिया कि प्रोसेस क्या है और आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो चीजें आप डिस्कस करेंगे कल से, राइट? ये सारी चीजें आप बिल्कुल बारीकियों के ऊपर आप बात करेंगे कल. और मेरा एक सवाल जैसा रहता है कि कई बार इसे कहते हैं कि सिविलियन जो है वो एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनके फैमिली में कोई आर्मी बैकग्राउंड से है तो उनको वो कुछ ट्रेट बचपन से ही मिल जाती है. क्या ये एक्चुअली में हेल्प करती है बच्चों को SSB क्लियर करने के लिए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिकॉज आई कम फ्रॉम, मैं तो सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ हार्डकोर, मैं तो उससे भी ज्यादा ही हूँ, मैं तो क्रिमिनल सिविलियन बैकग्राउंड से, यू नो मैंने तो पूरी क्राइम और उससे पला हूँ लाइफ में. सो अगर मेरे जैसा बंदा अगर पास हो सकता है SSB क्रैक कर सकता, वो भी 2 बार, यू नो या कट्टे बंदूक तलवारों में जिए हैं, तो अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ तो मेरे फैमिली में, खानदान में कहीं दूर दूर तक कोई नहीं है SSB में, राइट? सो व्हाट दे सी इज, दिस इज योर एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, कि आपने जिंदगी को कैसे लिया, आप सिचुएशन को कैसे लेते हैं, यू नो या एकदम पूरा राउडी टाइप्स, सो जिंदगी को आप कैसे लेते हो करके. एट द सेम टाइम देर इज अ माइंड सेट, ये मेरे जो SSB के सीनियर्स है, जूनियर्स है, जो GTOs रहे, उनसे मैं पूछता हूँ कि सर अगर सेम क्वेश्चन कि एक फौजी बैकग्राउंड का बच्चा और एक सिविलियन बैकग्राउंड का बच्चा अगर आता है तो फिर हाउ डू यू परस्यू दैट, तो उनका ये मानना होता है कि यार फ्रैंकली बताएं तुम्हें तो, फ्रैंकली बताएं तो ये कि फौजी बैकग्राउंड से जो बच्चा आता है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस पर, बिकॉज वी एज अ GTOs, एज अ इंटरविंग ऑफिसर, वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हिम, अ लेवल. और सिविलियन जो बच्चे आते हैं वी नो कि आप लोग ऐसे बैकग्राउंड से हो तो ठीक ठाक है. सो सबको उल्टा लगता है, सबको लगता है कि जो फौजी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनका बड़ा एडवांटेज होता है. आई थिंक इट्स रिवर्स वे, यू नो रिवर्स वे, दैट्स द एक्चुअल फैक्ट, और कड़वा सच जिसको बोलते हैं ना. सो बट SSB इज अ लेवलर, हर एक बंदे को चांस मिलता है, हर एक बंदी को चांस मिलता है, एंड ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ दोज प्लेन प्लेटफॉर्म. एंड मैं ये कहीं दावे के साथ कह सकता हूँ इट इज वन ऑफ द मोस्ट नॉन करप्ट प्लेस. यस, हर इसमें एक गंदी मच्छी होती है, देर वेर कपल ऑफ केसेस विच हैड कम, बट 99.99 ईच वन ऑफ अस हैज गॉट दैट चांस. जी सर, ये तो बहुत ही आपने बहुत अपने लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल अब बच्चों को आपने दिया है, तो इनसे तो इनको काफी कुछ समझ में आना चाहिए, काफी सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि SSB क्रैक करने के लिए सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है, ये आपके लिए कई बार मुसीबत भी खड़ी कर सकता है. ठीक है, तो अब जैसे अब मैं बच्चों को कई बार ये चीज बताता हूँ कि आप कभी भी किसी भी लक्ष्य को जब आप भेदना चाहते हैं, ये मैं अभी NDA को टारगेट करते हुए बोलूंगा, लाइफ में आपके आपके लाइफ में सिर्फ ये NDA का एग्जामिनेशन नहीं, आपके लाइफ में बहुत सारे लक्ष्य ऐसे आएंगे जिसको आपको पूरा करना होता है, वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
तो बात अगर एग्जामिनेशन की करें तो मैं हमेशा उनको एक चीज कहता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांको, अपने अंदर बात करो कि आप कहां पर मजबूत हो, कहां पर कमजोर हो। अपने आप को पहचानना जो है वो लगता है कि रिटर्न में तो हेल्पफुल है ही, क्या ये एक्चुअली में एसएसबी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है? एक मिनट, आई थिंक आई जस्ट मिस दैट, सॉरी अखिल। क्या वर्ड जो इंट्रोस्पेक्शन मैंने कहा? हाँ हाँ, एक बार वो क्वेश्चन फिर से बोल दोगे? क्वेश्चन ये कि इंट्रोस्पेक्शन करना, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी वो अपने अंदर पहचानते हैं कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उनके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, जब वो इन चीजों को पहचान कर आगे चलते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। तो क्या ये इंट्रोस्पेक्शन जो एक प्रैक्टिस होती है, क्या ये एसएसबी के लिए हेल्पफुल रहता है? यू नो, बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर। एज ए यंगस्टर या इवन टुडे, लाइक हमारे एज में भी कभी कभी हमें जो फीडबैक मिलता है हम उसे लेते नहीं है। हमारी ये मान्यता होती है कि नहीं यार, मैं तो सही हूँ करके, है ना। बट द डे यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, ट्रस्ट मी, आपका आधा काम वहीं हो जाता है ना। क्योंकि अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल, मैं एनडीए का पेपर दिया और मैं क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे जहन में ऐसे है कि यार मैंने तो सब कुछ सही किया था, यू नो 900 में से 800 मिलना था मुझे, लेकिन मैं तो इवन आया भी नहीं कट ऑफ में। पहले तो रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं नहीं हुआ, यू नो, रादर देन ब्लेमिंग कि वो लोग ठीक ठाक, इनविजिलेटर ने ठीक नहीं किया होगा या मूड नहीं हुआ होगा, व्हाटएवर, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। एंड सेम गोज फॉर एसएसबी आल्सो। बहुत बार ये लगेगा कि ना मैं तो यार वो कैंडिडेट से बेटर था, मुझे तो फाइनल पर्सनल इंटरव्यू में उसने, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, तो बोल दिया था कि तुम ही हो करके, यू नो यू आर दैट पर्सन वी वर लुकिंग फॉर, बट नहीं हुआ करके। सो यू हैव टू कम बैक, ठीक है हो गया रियलिटी, देन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या गलत हुआ होगा, यू नो। एंड लाइफ में वही लोग सक्सीड होते हैं जो इंट्रोस्पेक्ट करने की क्षमता रखते हैं अपने आप में, यू नो, कि मैं जॉब इंटरव्यू को गया या मैं लाइक फॉर इन आर केस लाइक टुडे, जब मैं क्लाइंट मीटिंग को जाता हूँ या जहाँ मुझे मालूम है कि 50 करोड़ का ऑर्डर है और यू नो देर आर 3-4 पीपल एंड प्रेजेंटेशन, यू नो बीइंग अ फौजी, प्रेजेंटेशन इज माय कोर थिंग, मैंने सारा प्रेजेंटेशन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर भी डील किसी और को मिलता है, तो रैदर देन ब्लेमिंग कि नहीं यार उसने पैसे वैसे खिलाया होगा, पहले ये सोचना है कि मेरे में क्या कमी थी या मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी। इफ आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, आई थिंक हाफ योर जॉब इज डन। सो इंट्रोस्पेक्शन इज वन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओएलक्यूज, वन ऑफ दोज ओएलक्यूज वेयर, जिसको हम ओएलक्यू बोलते हैं ना, कि 16 ओएलक्यू होना चाहिए। देयर इज नो डिफाइंड नंबर फॉर ओएलक्यू, टू बी वेरी फ्रैंक, हर चीज इज ओएलक्यू, यू नो। सो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। तो ये रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ एसएसबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ही अंदर जाने। तो सर, ये बेसिक लेवल पे हम लोग एक बात करें कि फौजी माइंडसेट, जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्या फौजी किस तरीके से सोचता है, क्या उसके अंदर ऐसी, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फौजी सर बनना तो चाहते हैं लेकिन फौजी के मन के अंदर क्या चलता है, उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है, क्या ये कुछ एक धारणा है, क्या काफी अलग धारणा है, या फिर एक बहुत ही नॉर्मल इंसान भी फौजी बनने के लायक होता है, जस्ट उसे एक सोचने का बिहेवियर अपना अलग करना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बच्चों को आप जरूर बताएं। सो मेरा ये मानना है कि अगर हम पैदा हुए हैं, ऑल ऑफ अस आर फौजी, यू नो, फौजी माइंडसेट क्या होता है, जो एवरी डे हम जो चीजों से जूझते हैं, लड़ते हैं, दैट इज फौजी माइंडसेट, यू नो। एक एक छोटा सा एग्जांपल होगा कि अगर आप चल के जा रहे हो रोड पे, आप यू नो 15, 16, 17 साल के हो, आपके पीछे अगर एक कुत्ता पड़ जाता है, सो व्हाट विल यू डू? द फर्स्ट थिंग इज आप ट्राई करोगे उससे बचने, सेकेंड थिंग इज कि आइदर यू विल यू नो ट्राई टू रन अवे और यू विल ट्राई टू बी सेफ, बट द वेरी फैक्ट इज दैट आपने सोचा हुआ, यू स्टार्टेड थिंकिंग, यू स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग यूर सेल्फ, यू स्टार्टेड यू नो फाइंडिंग सोल्यूशंस। सो वो फौजी माइंडसेट इज देयर इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सो आप उसको कब यूज करते हो, कितना यूज करते हो, दैट डिफाइंस यू, यू नो। एंड द वेरी फर्स्ट बेसिक थिंग ऑफ बींग फौजी इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। आप एक
ख्वाबों की दुनिया में नहीं रह सकते हो ना। इफ आई एम वीक आई एम वीक। सी ये मैं सबको फिलोसफी झाड़ता हूँ हमेशा की ना, हमारे लिए पैदा होना, इंसान बन के पैदा होना, दैट इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग, इट्स अ बिग ब्लेसिंग जो हम और तुम है, इतनी प्यारी दुनिया हम देखते हैं, सनराइज देखते हैं, सब कुछ करते हैं, सो ऑल दोस थिंग्स इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। अगर वो ब्लेसिंग मिली है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर, मेरी खामियां क्या है, मेरी पॉजिटिव ये क्या, जो पॉजिटिव है उसको और पॉजिटिव करो, स्ट्रांग बनो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करो, यू नो। एंड हर इंसान में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होगा ही, आप भगवान नहीं हो, नेगेटिव नहीं होता तो आप इंसान ही नहीं होते ना। सो योर फौजी माइंडसेट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर सेल्फ अवेयरनेस, जो जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है, राइट। देन कम्स द डिसिप्लिन। ये अगर आपको मालूम होगा तो फिर, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोल दिया कि सर आई थिंक आप पुट ऑन कर रहे हो फिर से, सो आई नो ओके ठीक है। मैंने बोला नहीं यार ये तो बल्क है, मैं तो अभी मसल बना रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो सही बोल रहा है सामने वाला, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं मैं मसल बना रहा हूँ तो मैं मोटा नहीं हूँ। तो द मोमेंट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट, यू आर गॉन, आपकी जो माइंड सेट है वो खत्म, यू नो। व्हेन आई एम एक्सेप्टिंग दैट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, दैट बिकम्स अ फौजी माइंड सेट। सो ये जो टर्म है ना फौजी माइंड सेट, काफी लोग इसको घुमाते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत लोग खेलते हैं ये वर्ड से ना, फौजी माइंड सेट ये है। सो सिंपल थिंग इज, फौजी माइंड सेट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, यू नो, स्पिरिचुअलिटी में हम बोलते हैं। द डे यू आर सेल्फ अवेयर, यू आर ऑलरेडी इन दैट माइंड सेट। एंड देन कम्स द पैशन, पैशन टू वेयर दैट यूनिफॉर्म। जब आप पैशनेट होंगे ना, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने के लिए आप पैशनेट नहीं होंगे, आपको पता होगा यूनिफॉर्म मेरे बॉडी पे आने के लिए या मैं यूनिफॉर्म के काबिल होने के लिए मुझे ये करना है, I have to be disciplined, मुझे सुबह उठना है, मुझे फिजिकल वर्कआउट करना है, मुझे पुलिस केस से बचना है, मुझे एक्सीडेंट से बचना है, मेरा सब कुछ क्लीन होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई में ठीक ठाक करना चाहिए, एनडीए के एग्जाम देखना चाहिए, जो एक्सपर्ट होगा उससे गाइडेंस लेना चाहिए, एक्स 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 एक्स, तो ही मैं यूनिफॉर्म बनूंगा। कोई ड्रीम में नहीं रहता, हर बच्चा जो ये सुनेगा या जो क्लासेस आता है या जो गाइडेंस के लिए आता है, हर बच्चा यही सोच के आता है कि मैं पैशनेट हूँ, आई वॉन्ट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म। एंड एनडीए एंड एसएसबी इज वन सच ब्यूटिफुल एग्जाम, जहाँ पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं करते हैं कि जाके एनडीए में जाना है तुम्हें, नहीं एनडीए नहीं आएगा तो मेरा नाम खराब। 99.99 इट इज सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ ड्रिवन। और जब आप सेल्फ ड्रिवन होते हो तो फौजी माइंड सेट ऑलरेडी आ गया। फौजी माइंड सेट कम्स वेन यू आर सेल्फ ड्रिवन। जो भी बच्चे एनडीए एनए देते हैं, दे आर ऑलरेडी सेल्फ ड्रिवन, तो दे आर 99% फौजी, तो ऐसे ही बन गया। 1% इज द टफेस्ट पर्सन एंड दैट इज यू नो प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज माय आंसर फॉर द फौजी माइंडसेट। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आपने सही चीज बताई कि हाँ ये सब सिर्फ अपने ही सोचने से ही ये शुरू हो सकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो आपने बिल्कुल बताया वो बहुत जरूरी है। सर ये सारी चीजें हैं, मतलब बच्चे जो हैं यहाँ पर, एक और मैं लास्ट सवाल यहाँ पर पूछूंगा कि कई बार बच्चे ना इस तरह के बहुत हेक्टिक शेड्यूल से गुजरते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, एनडीए की भी पढ़ाई करते हैं, फिर एसएसबी की भी तैयारी आजकल वो करते हैं, पहले से करके चलते हैं कि मुझे डिस्क्राइब कैसे करना है, या फिर अपने आप को फिजिकल ट्रेनिंग से भी वो गुजारते हैं ताकि वो एसएसबी के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। इस बीच में क्या होता है, कभी कभी बच्चा थक जाता है, रुक जाता है या फिर टूटने लगता है, तो आप इस सिचुएशन से उभरने के लिए आप बच्चे को क्या रिकमेंड करेंगे? काफी आई मीन इट्स अ वेरी यू नो वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि पेपर वगैरह में काफी पढ़ाई सुनाई देता है, यू नो सो एंड सो, विच शुड नॉट हैपन विद एनीबॉडी। बट यू नो अगर आप मुझसे पूछोगे, यही टाइम है जब आप मेहनत कर सकते हो, यू नो दिस इज द एज, 17 से लेके जो 25 तक का वेरियस एग्जाम्स आप देते हो, ये एज निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू, देयर इज नो चॉइस, स्मार्टली स्टडी करो। और ये 7-8 साल हर एक बंदे का करियर का बनाने का ईयर होता है, भले आप एसएसबी करो या आईआईटी करो या कुछ भी करो, नीट करो, कुछ भी करो, इससे हम बच नहीं सकते। अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है, या तो दूसरा ये है कि आप अगर अंबानी या अडानी के घर पे पैदा हुए तो आप बच सकते हैं इससे, है ना। तो
हम है नहीं, सो ऑल ऑफ अस आर नॉर्मल इंडिविजुअल्स, तो हमारे लिए एवरी इंडिविजुअल, ये जो एज है 16 to 25 इज अ डिफाइनिंग थिंग, एंड यहाँ मेहनत करना ही पड़ता है, देयर इज नो चॉइस, यू नो देयर इज नो चॉइस। इन सब चीजों के बीच स्मार्टली कीजिए, जो भी करोगे स्मार्टली कीजिए, जिसको हम बोलते हैं ना कि लीवरेज, जिसको बोलते हैं ना, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, यू कैन लीवरेज इट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड का सम पेपर, मैथ्स के सम टॉपिक्स, लीवरेज इट फॉर सम अदर एंट्रेंस एग्जाम्स, सो ऑल दोस थिंग्स, यू नो, सो मेरा ये मानना है, राइट टाइम राइट एज, डू योर बेस्ट, इससे कतराओ नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रैटेजी की तरह ही लेना है, आपको समझना है कि आपको सॉल्यूशन फाइंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ना कि हर टास्क को कवर करना। जिसे मैं टास्क में सिर्फ इसे ऐसे कह सकता हूं कि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना भी एक टास्क है, मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर करना भी एक टास्क है, आपको पूरा नहीं करना है। ये बात आपको सबसे पहले समझना है कि आपको पूरा नहीं करना है, आपको वो टास्क सिर्फ पूरा करना है। अब वो टास्क कितना है, दैट इज क्वालिफाई करना, मेरिट लिस्ट में आना। तो और यही सेम चीज जिसे आपने जैसे बताया सर, कि बच्चे का या फिर कैंडिडेट का एक माइंडसेट होना चाहिए कि सॉल्यूशन ढूंढने पर उसका ध्यान होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पे फंसे रहने पर। तो ये चीज जो है ये रिटन में भी बहुत अच्छे से हेल्प करती है, मैं बच्चों को हमेशा से बताता हूँ, और हमें जानने को मिला विजय सर से कि एक्चुअली में ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, जो एसएसबी में भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और वो चीज पहचानी जाती है, वो समझ लिया जाता है कि बच्चा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, कैंडिडेट अपने सिर्फ उस चीज पर फोकस कर रहा है कि इसका काम जो है वो सरल हो जाए या फिर इस चीज का सॉल्यूशन निकल कर आ जाए। तो ये सारी चीजें सर मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है बच्चों के लिए, रिटन से भी काफी सारे डाउट्स आपने बहुत बेहतरीन डाउट्स बच्चों के उठाए हैं, जो कि मैं भी सुनता हूं, लेकिन वही कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं उनके हिसाब से उनको जवाब मिल जाता है, लेकिन एक मास बच्चों को जब हम लोग गैदर करते हैं और फिर उसके बाद ये जवाब जब उनके पास पहुंचते हैं, तो दैट आर वेरी हेल्पफुल। और सर इसी के साथ मेरे तरफ से तो एसएसबी में जितना मेरे को सवाल बच्चों की तरफ से आया था वो मैंने आपसे पूछ लिया है। अब आप अपने कुछ अंतिम शब्दों से बच्चों को बताइए कि हाँ कैसे आप लोग इस चीज को लेकर और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं, एंड रेस्ट फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रॉपर जो क्लासेस वगैरह है वो कैसे होने वाली है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं सर के बाद बताता हूँ। सो या अखिल, यू नो लाइक मैंने आपके बारे में सुना था, बट अभी यू नो हूबहू जिसको बोलते हैं ना, हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, एंड काफी अच्छा डिस्कशन था, बिकॉज मेरा मानना है कि नॉलेज हैज टू बी शेयर, एंड नॉलेज गेन करने का कोई एज नहीं होता है। सो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम यू, सो दैट विच आई कैन पास टू यू नो सो मेनी अदर्स, बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई। तो मेरा मानना है कि ये जो हमारा जो सेशन है, जो भी बच्चे देखेंगे, करीब एक घंटा, प्लान तो सिर्फ 30 मिनट का था बट 72 मिनट्स का हो गया, बिकॉज यू नो वी गेट पैशनेट इनटू दैट, सो दिस विल हेल्प लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, जो भी बच्चे कहीं से भी देखे, देहात से देखे या अमेरिका में बैठ के देखे, जिसको भी अगर एनडीए के बारे में जानना है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज डिटेल्ड सेशन विच वी हैड, एंड आई एम श्योर, थैंक्स अखिल, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक्स बुलाने के लिए आप सबको, और डिटेल में तो कल डेफिनेटली वी हैव अ सेशन टुमारो, सो डिटेल में वी विल स्पीक देयर, सो बढ़िया, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो इसी के साथ सर की जो एसएसबी की क्लासेस होंगी वो यहाँ पर एसएसबी का सारा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो सारी चीजें सर आपको बताएंगे कल से, और साथ ही कल से मैं आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। इन सारी चीजों का जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, जानना है, देखना है, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे ये सारी जानकारी पाकर, ये बच्चों के लिए भी एक काफी फ्रूटफुल है और साथ ही मेरी भी नॉलेज में काफी सारी चीजें अपडेट हुई। अब मैं बच्चों को, अगर जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं आपके तरफ से ये जवाब बच्चों को दूंगा और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनके लिए रहे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास 60% का जो ऑफ है बेटा, ये हमारे आज के लिए है, ठीक है, और इसे जो भी करना है आज आप कर लीजिए, क्योंकि कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और बस इसी के साथ हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे अपने एनडीए का सफर एक बहुत ही धुरंधर तरीके से, और अपने जितने भी सपने देखे उनको करेंगे हम लोग साकार।
सो थैंक यू वेरी मच गाइज, जय हिंद मेरे दोस्त, जय हिंद जय